स्वागत है आपका। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके साथ सभी एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि जिस तरह फिल्म जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म जो है शुक्रवार को ये फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन हो चुका है। अब ऐसे में देखिए, आपको बता दें, कंगना ने करण पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो 90 के दशक की फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बता दें, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह लीड रोल में। देखिए, कंगना ऐसी अभिनेत्री हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब कंगना किसी से डरी हो या किसी विषय पर बोलने से पहले उन्होंने सोचा हो कि भाई मुझे बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वो आप सभी देखिए वाकिफ हैं, लास्ट समय समय पर वो आलिया पर, करण जौहर पर वो कमेंट करती रहती हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगाया, आरोप ये है कि उन्होंने कहा कि करण जौहर 90 के दशक की फिल्मों को आप कॉपी कर रहे हैं, जो कि गलत है। इससे पहले भी देखिए, आपको याद होगा कि जब नीतू कपूर यानी रणवीर कपूर की जो माँ है, नीतू कपूर के बर्थडे में जब आलिया और उनकी बेटी नहीं पहुंची थी, उस दौरान भी आप कंगना का एक जो कमेंट है, एक जो ट्वीट है सामने आया था, उन्होंने कहा कि रिश्ते जो हैं बिखर गए हैं। और यहाँ तक कंगना रनौत जो है उन्होंने आरोप भी लगा दिया था कि रणवीर कपूर जो हैं वो उन्हें मिलने के लिए अप्रोच कर रहे थे, मिलने के लिए उनसे कह रहे थे कि आप मुझसे मिलिए। तो हालांकि कंगना ने कहा उस दौरान मैंने मिलने से मना कर दिया था। और इसके बाद क्या है कि नीतू कपूर का भी उनके ट्वीट पर, उनके पोस्ट पर रिएक्शन आया, जो आप सभी जानते हैं। कंगना ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा, भारतीय ऑडियंस 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं और ये नेपो गैंग वाली सास बहु रोना चल रहा है। और लेकिन कारण है कि इस फिल्म को करण जौहर ने बनाया है, 250 करोड़ में फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? करण जौहर, तुम्हें शर्म करनी चाहिए कि तुम खुद को भारतीय सिनेमा का शहंशाह बताते हो, जो कि तुम कॉपी कर रहे हो। तो देखिए, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि करण जौहर ने ये फिल्म कॉपी की है।